अस्सलाम वालेकुम जी, वजी एस एन अलवी से एयर एंड यू वाचिंग अलवी ला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हुई थी और एडीआर जो है हमारा उसके नाइन्थ या टेन 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 लेक्चर ऑलमोस्ट हो चुके थे और उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस रहता था और वो मैंने सोचा आज बैठ के कर दिया जाए। आप लोग ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे और होप सो आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा, और अगर राइट नाउ तकरीबन हमारे पास 3 PM हो गए हैं एंड इट्स 22nd of August, मतलब आज आप इंग्लिश का पहला पेपर दे रहे हैं और दुआएं आपके साथ हैं। आई एम हेयर और लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। दुआ भी है आपके लिए कि अल्लाह आपके हक में बेहतर से बेहतरीन फरमाए। और मीन वाइल जो है एडीआर के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका एडीआर का है, तो इनशाला उसमें भी कामयाबी हमने हासिल करनी है। और एडीआर पे वर्किंग किसी ने भी की सारा साल, इवन के कॉलेज में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने सोचा कि हमने हमने तो एटलीस्ट करना है, ठीक है। सो जितना भी बेहतरीन हो सकेगा इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद नेम ऑफ अलविला एसोसिएट्स एज मेंशन ऑन द स्क्रीन। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आ भी सकता है। क्वेश्चन है, इनलाइटन द स्कोप ऑफ एडीआर इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो आपका सी पैक का मंसूबा है पाकिस्तान का और इंडिया का, इस सब में जो एडीआर है इसको किस तरह से आप देखते हैं, मतलब एडीआर का क्या रोल हो सकता है इन सी पैक, ठीक है, यानी चाइना इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर में जो आपका एडीआर की टेक्निक इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एडीआर का फ्यूचर क्या देखते हैं इस सब में, तो इसके बारे में हमने आज देखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अव्वल तो आप जो भी बुक्स देखेंगे आपको कहीं पे भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है, एडीआर के हवाले से। मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मार्केट के अंदर जितने भी बुक्स अवेलेबल होती हैं उन सबको देखा जाए कि किसने क्या प्रोवाइड किया है और फिर उससे कोई अच्छी ही चीज़ बनाई जाती है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को एक अलग चीज़ भी नज़र आए और उन सबसे हटके भी हो, ठीक है। तो जितनी भी मैंने चीज़ें देखी एडीआर से रिलेटेड मुझे कोई इतना खास मटेरियल नहीं मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह इन नोट्स में आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि आपका पेपर जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, ठीक है। मामला भी बड़े आसान है। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे द स्कोप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द चाइनाज पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर इज इम्पोर्टेंट फॉर हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो जो पाकिस्तान और चाइना इसमें इन्वॉल्व है सी पैक में, तो इनके ऑब्वियसली ड्यूरिंग द होल प्रोसेस डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स भी तो आ सकते हैं ना इस सी पैक में, तो उन डिसएग्रीमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एडीआर बेहतरीन है। एडीआर मेथड्स लाइक आर्बिट्रेशन मीडिएशन प्रोवाइड क्विक एंड फ्रेंडली वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग सी पैक प्रोजेक्ट्स रन मोर स्मूथली एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान जो कि सी पैक में इन्वॉल्व है, अगर इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट्स आते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को बजाय ये रिजोल्व करने के अगर उलझा लेते हैं तो क्या होगा, दोनों कंट्रीज का नुकसान होगा। चाइना की इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान का उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी बेनिफिट्स हैं, चाइना के भी अपने बेनिफिट्स हैं। तो अगर तो वो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे इनके कन्फ्लिक्ट आपस में डिस्प्यूट्स, तो फिर तो कंट्रीज दोनों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये एडीआर की जो टेक्निक्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं, यूनाइटेड नेशन इसका इस्तेमाल कर रही है, डब्ल्यू ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल कर रही है, तो व्हाई नॉट सी पैक। तो मतलब ये जो सी पैक का आप सारा देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरम्यान, इस सब में तो फिर ऑब्वियसली एडीआर जो है वो उसको लाजमी तौर पर कंसिडर करना चाहिए कि अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट आता है तो वी शुड यूज एडीआर टेक्निक्स टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स अमंग बिटवीन आवर सेल्व्स, ठीक है। देन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्चुअली ये है क्या सी पैक जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक्चुअली ये है क्या। कहते थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम टू इन्हांसिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये एक क्या है कि एक मेजर प्रोजेक्ट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और इसका मकसद क्या है कि हमने रिलेशनशिप जो है बेहतर बनाने हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। कहते इट इन्वॉल्व बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3000 किलोमीटर, यानी इसका मेन एम क्या है कि 3000 किलोमीटर तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना है, सच एज रोड्स, जिसमें आपके रोड्स आएंगे, एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग चाइनाज रीजन टू पाकिस्तान गवादर पोर्ट। कहते सी पैक इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज लार्ज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI भी कहते हैं।
विच सीक्स टू इम्प्रूव ग्लोबल ट्रेड रूट्स। तो ठीक है, इसका मकसद क्या है कि ग्लोबल ट्रेड के रूट्स जो हैं उनको आप बेहतर बना सकें। द प्रोजेक्ट एम्स टू बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रिएट जो इकोनॉमी यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको आप बेहतर बना सकें, जो जॉब्स हैं वो आप क्रिएट कर सकें, एंड इम्प्रूव एनर्जी सप्लाई, और एनर्जी सप्लाई को आप इम्प्रूव कर सकें, वाइल प्रोवाइडिंग चाइना विद अ शॉर्टर ट्रेड रूट टू द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। और इससे क्या होगा कि चाइना को ट्रेड के लिए मिडल ईस्ट और अफ्रीका में शॉर्टेस्ट रूट्स मिलेंगे। तो मतलब चाइना का भी बेनिफिट है और पाकिस्तान का भी इसमें बेनिफिट जो है वो इन्वॉल्व है। सो दैट्स वाई इट इज़ गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। जी, तो इसमें फर्दर हमारे पास मतलब सी पैक को हमने डिस्कस कर लिया कि सी पैक एक्चुअली है क्या। फर्दर मोर हमारे पास गोल ऑफ सी पैक है कि सी पैक जो आपने मंसूबा स्टार्ट किया है बिटवीन मतलब देखते हैं हम पाकिस्तान एंड चाइना, इसका मेन गोल क्या है। द गोल ऑफ द चाइनाज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। ठीक है, तो बेसिकली चाइना ने इन्वेस्टमेंट किस लिए की है कि चाइना को मतलब अपने बेनिफिट्स हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, और बेसिकली उनको मिडल ईस्ट तक या अफ्रीका तक जो ट्रेड के रूट्स हैं वो उनके शॉर्टेस्ट हो रहे हैं, उनकी ट्रेड जो है उसमें उनके पास आसानी पैदा हो जाए। ठीक है, तो वो अपनी आसानी के लिए एफर्ट्स पुटअप करेंगे और नतीजतन पाकिस्तान को भी उसमें फ़ायदा पहुँचेगा। सी पैक एम्स टू बूस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, क्रिएट जॉब्स एंड प्रोवाइड चाइना विद अ शॉर्टर मोर एफिशिएंट ट्रेड रूट टू द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली दोनों कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना मकसद है, और चाइना जो है उसको अपने लिए ट्रेड के लिए शॉर्टेस्ट रूट्स चाहिए, दैट्स वाई उन्होंने ये प्रोजेक्ट है ये सारा स्टार्ट किया है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, देन अगर बात करते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या होंगे सी पैक के पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ द सी पैक ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो कहते हैं चाइनाज इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक हैज सेवरल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द पाकिस्तान इकोनॉमी। उसमें हम हेडिंग वाइज पढ़ लेंगे क्या क्या इसमें इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहते सी पैक हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। इसमें ऑब्वियसली आपको पता है 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो रोड्स उन्होंने बनाने हैं। देन हाईवेज एंड पावर प्लांट्स, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी। उसमें आपकी उन्होंने एनर्जी स्टेशन लगाने हैं, आपकी जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स वाई ये आपकी जब इन्हांस हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी में जो है वो एक हाई अप आप देखेंगे। देन जॉब क्रिएशन, ऑब्वियसली आप एक फैक्ट्री तक जब आप लगाते हैं ना अपने मुल्क के अंदर तो उससे भी आपकी जो है वो जॉब्स क्रिएशन होती हैं। उसमें को 50, 60, 100, 200 वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, उनकी जॉब्स जो है वो क्रिएट होती हैं, मुल्क के अंदर काम आता है। तो जब आप एक इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं सी पैक जैसे के है तो इसके थ्रू जो है वो आपकी हज़ारों जो है वो जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। सो ये सेकेंड इम्पैक्ट है, इससे भी आपकी इकोनॉमी जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट जब आपके मुल्क के अंदर आती है तो उससे भी ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी को जो है बहुत राइज मिलता है। देन बूस्ट टू द लोकल इंडस्ट्रीज हैं, कहता बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सी पैक हेल्प्स टू लोकल बिजनेस ग्रो बाय मेकिंग इट ईजियर टू मूव गुड्स विद इन द पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इससे मजीद क्या होगा कि आपके जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो है वो आसानी आ जाएगी, उनको भी ट्रेड करने में आसानी होगी, और ये भी आपकी इकोनॉमी पे जो है वो एक बूस्ट आएगा और इससे भी इम्पैक्ट आएगा। देन है डेट कंसर्न्स, हाउ एवर द हैवी रिलायंस ऑन चाइनीज लोन्स फॉर सी पैक प्रोजेक्ट्स रेजेस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तानीज डेट बर्डन विच कुड स्ट्रेन द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। तो नो डाउट कि इसकी इकोनॉमी पे जो है वो पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट एक ये है कि इससे डेट जो है उसके हम अंडर आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ सकता है और हम लॉन्ग टर्म जो है वो चाइना के मोहताज बन जाएंगे। तो इकोनॉमिकली ये इम्पैक्ट्स आ सकते हैं सी पैक के पाकिस्तान के अंदर। देन बात करते हैं कि डिस्प्यूट्स आउट ऑफ सी पैक, कि सी पैक के ऊपर जो है डिस्प्यूट्स किस किस तरह से आ सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि एडीआर टेक्निक्स की, कि एडीआर टेक्निक्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स अमंग द सी पैक। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट्स आ कौन कौन से सकते हैं, देन ही हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे थ्रू एडीआर। सबसे पहला डेट कंसर्न, तो डेट से रिलेटेड डिस्प्यूट आ सकता है, जो कर्जे लिए हैं। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सी पैक इंक्रीजेस द पाकिस्तान डेट टू चाइना लीडिंग टू द worries about economic dependence and potential financial instability।
तो मतलब कहने वालों कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा जो है वो पाकिस्तान जो है वो सी पैक के थ्रू ले लेगा, जिससे जो है हमें कल कलाम बहुत सारे जो है वो मसाइल आएंगे मतलब कर्जे उतारने में, और चाइना के हम मुहताज होकर रह जाएंगे और बहुत ज्यादा जो है वो डेट का अंडर आ जाएंगे, बोझ के अंदर आ जाएंगे। द रीजनल टेंशन आ सकती हैं, अगर सी पैक पासिस थ्रू द एरियाज लाइक गिलगित बल्तिस्तान विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सी पैक जो है वो कहाँ से गुजरता है, ये गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है और वो इलाका जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टिल जो है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो दिस हैज कॉज्ड टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज विद इंडिया ऑब्जेक्टिंग टू द प्रोजेक्ट। तो इसलिए इंडिया भी इस प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट करता है कि ये नहीं हमने बनने देना, ये इसमें रुकावटें डालता है अमेरिका के साथ मिलकर, व्हाट एवर द थिंग इज, है आपको पता है। तो ये भी एक डिस्प्यूट आ सकता है आउट ऑफ सी पैक। तो देन लोकल डिसकंटेंट है, मतलब तो लोकली जो वहाँ के लोग हैं कुछ जहाँ से ये सी पैक गुजर रहा है वो भी समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं इन सम रीजन ऑफ पाकिस्तान लाइक बलोचिस्तान देर इज ऑपोजिशन टू सी पैक, वो सी पैक की ऑपोजिशन करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। क्यों? बिकॉज लोकल्स फील दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स और दैट देयर रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि वहां पे जो लोकल रहने वाले हैं वो समझते हैं कि हमें सी पैक का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन रिटर्न क्या है कि यहाँ से सी पैक के बदले में हमारे सारे जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। देन है इन्वायरमेंटल इशूज, कहते हैं सम सी पैक प्रोजेक्ट्स हैव रेज्ड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स सच एज पोटेंशियल डैमेज टू इको सिस्टम एंड लोकल हैबिटेट्स, मतलब जहाँ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल इश्यूज बड़े बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारे जो है वो डिस्प्यूट्स रेज हो सकते हैं आउट ऑफ सी पैक। तो सी पैक की वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स रेज हो सकते हैं। तो फिर हमने इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए ADR टेक्निक्स जो है वो उनको यूज करना है, या ADR टेक्निक्स का जो यूज़ है उसको प्रेफर करना है। रोल ऑफ ADR इन सी पैक, तो अब ADR का सी पैक के अंदर क्या रोल है ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स। कहता है ADR मेथड्स लाइक मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन हेल्प क्विकली रिजोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्वड इन द सी पैक पाकिस्तान एंड चाइना सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लोकल कम्युनिटीज विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके रिलेटेड ऑब्वियसली झगड़े आएंगे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी है। तो अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट्स हैं वो आ जाते हैं तो उनको रिजोल्व करने के लिए बजाय आप जो है वो कोर्ट्स की तरफ जाएं और साल साल जो है वो लिटिगेशन में रहें और प्रोजेक्ट आपका जो है वो वहीं पर रुका रहे, तो बेहतर ये है कि आप मीडिएशन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन वगैरह के प्रोसेस जो ADR ने प्रोवाइड किए हैं उनको यूज़ करें और अपना मैटर जो है वो सॉर्ट आउट कर लें। इससे क्या होगा कि इफेक्टिवली जो है आपका प्रोसेस भी चलता रहेगा और आपके मामला भी टैकल हो जाएंगे। देन कॉस्ट इफेक्टिव, के ADR जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं इसमें, मामला आपके जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, सबसे बेसिक जो चीज़ है ADR की अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की वो यही है कि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी डिस्प्यूट में तो जब वो कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट जाने से एक तो एक्सपेंस बहुत आता है, दूसरा पार्टीज़ को आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ADR इसलिए प्रेफर किया जाता है कि ये आपके रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करने में आपको हेल्प आउट करता है, कि इससे पार्टीज़ का आपस में जो है वो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं आता है, मामला जो है वो बैठ के कंसल्टेशन के जो साथ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर आप कंसल्टेशन के साथ सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली मीडिएशन के थ्रू थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है, जैसे UNO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एसोसिएशन जो हैं वो मिलकर जो है आपकी मीडिएशन करवा देती हैं, कंसिलिएशन करवा देती हैं। तो उससे लॉन्ग टर्म आपकी जो है ट्रेड भी चलती रहती है, आपके लॉन्ग टर्म जो आप कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन हैं वो भी सिक्योर हो जाते हैं और इस तरह से मामला टैकल भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से आप ADR टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सी पैक के अंदर। फर्दर मोर वी हैव रेमेडीज अवेलेबल अंडर WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड करता है सी पैक के अंदर। तो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट वैसे पीछे पढ़ लिया होगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुने, हेल्प आउट करेगा। तो अगर यहाँ पर भी देख लें हेडिंग वाइज, तो सी पैक के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प आउट है। कंसल्टेशन, सबसे पहले चाइना पाकिस्तान दोनों के दरमियान अगर कोई मसला आता है सी पैक से रिलेटेड तो दे हैव टू कंसल्ट, कंसल्टेशन करें, अगर फेल हो जाती है तो प्रोसीजर हमने सारा पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पैनल बनेगा, पैनलिस्ट चूज होंगे, देन ऑब्वियसली इंटरिम रिपोर्ट और देन अपील और देन जो है उसकी एक्सेप्टेंस एटसेट्रा, ठीक है। अगर वैसे नहीं चलते हैं तो पैनल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपील्स और रिटेलिएशन। अगर सारे मामला हो जाते हैं, लेट्स सपोज कंसल्टेशन से भी मामला हल नहीं होता है, पैनल बन जाता है, पैनलिस्ट चूज हो जाते हैं, पैनलिस्ट पैनल अपनी रिपोर्ट भी दे देता है,
एपलेट फोरम में चल जाते हैं, एपलेट बॉडी जो है वो भी अपना डिसीजन दे देती है। इवन देन दोनों पार्टीज अगर इसी पेज पे नहीं आती हैं तो फिर रिटेलिएशन है कि आप जो है वो या तो ट्रेड बंद कर देंगे। वो हमने एमिकेबल वेज पढ़े थे कि कौन कौन से एमिकेबल वेज जो है वो चूज हो सकते हैं टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। फिर क्या करेंगे, आप ट्रेड पे पाबंदी लगा देंगे, सेंक्शंस लगा देंगे, डिफरेंट तरह के मामला हो सकते हैं। देन फ्यूचर ऑफ एडीआर इन सी पैक, के सी पैक के प्रोजेक्ट में आप एडीआर का क्या फ्यूचर देखते हैं? तो ग्रोइंग रिकग्निशन है, देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, देन एनहांस्ड कोऑपरेशन है। ये तीन तीन चार चार लाइंस के पैरे हैं, ये देख लीजिएगा इससे पहले कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो। तो फ्यूचर चैलेंजेस भी ऑब्वियसली इसके साथ साथ आ सकते हैं, जैसे जैसे इसके बेनिफिट्स हैं वैसे वैसे सी पैक के चैलेंजेस भी आ सकते हैं, वो भी देखने पड़ सकते हैं। देन हाउ टू प्रमोट एडीआर इन सी पैक, के सी पैक के अंदर एडीआर को प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट एडीआर इन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं आपस में सी पैक से रिलेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर आप क्या करें, आप सी पैक से एडीआर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट करें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सेकेंडली इस्टेब्लिश एडीआर सेंटर्स। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान है ये म्यूचुअली मिल के एडीआर सेंटर्स जो है वो कायम करें कि अगर सी पैक से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इशूज़ जो है आते हैं तो उनको रिजोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडीआर सेंटर्स को जो है वो प्रेफर करना है। देन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ऑब्वियसली वो जो एडीआर सेंटर्स कायम करेंगे उसके लिए लोगों को ट्रेन भी किया जाए, अवेयरनेस भी दी जाए कि हाउ टू टैकल विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये एक स्टेप ले सकते हैं आप। देन गवर्नमेंट सपोर्ट भी करे, ऑब्वियसली चाइना गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है एडीआर सेंटर्स को सपोर्ट भी करे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं एडीआर टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ सीपैक। और देन हमारे पास फाइनली कंक्लूजन है। तो ये आज का लेक्चर था अबाउट सीपैक, के सीपैक कम है तो सही, अब सीपैक के अंदर आपने एडीआर को किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज के लिए इतने ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।